राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र का विमोचन करते हुए इसे पार्टी का विजन बताया। उन्होंने कहा, मैनिफेस्टो दूसरी पार्टियों के लिए औपचारिकता है और बीजेपी के लिए विकास का रोड मैप है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि राजस्थान में अगर हमारी सरकार बनी तो पेपर लीक और दूसरे घोटालों की जाँच के लिए SIT का गठन करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया है। प्रत्येक जिले में महिला थाना से और साथ ही साथ छात्राओं को स्कूटी जैसी सुविधाएं देने का वादा भी किया गया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने KG से PG तक पढ़ाई की फ्री करने का वादा भी किया है। साथ ही रसोई गैस महज 450 रुपये में उपलब्ध कराए जाने की बात भी कही है। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। ऊपर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन यहां पर जो तुष्टीकरण वाली सरकार है, जो पेपर लीक वाली सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो घोटाले वाली सरकार है, जो महिलाओं का अत्याचार करने वाली सरकार है, उसको हटाना आवश्यक है। हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये हर डिवीजन में खोला जाएगा। और इसके साथ साथ हम 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यूथ के लिए इस स्टेट में 5 साल में मुहैया कराएंगे। हमारा मैनिफेस्टो 3 बातों पर केंद्रित है। सबसे पहले कि डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, इंपावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये 3 बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। जयपुर एयर